नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में और मैं हूं निशांत कुमार। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर वन। उसकी सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुपद। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका जो बेस है पहले उसको देखेंगे और उसके बिहाफ पर, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करेगी जो अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सीखेंगे, बहुत अच्छे से मज़े में जो है इसको आज करेंगे। ठीक, चलिए तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोला जाता है बहुपद। क्या बोला जाता है? बहुपद। अब सबसे पहले बहुपद क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या नहीं आता है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सब जो हम समझना चाहते हैं, हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन या फिर हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 3x + 4, इतना ही। ठीक है, सिंपल चीज़ें लेकर के चलते हैं, आसान चीज़ें लेकर के चलते हैं, फिर हम धीरे धीरे मुश्किल की तरफ चलेंगे। तो अब अगर मैं बीजीय व्यंजक को देखता हूँ, ये क्या है, एक तरह का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और बहुपद क्या है, एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक, और बहुपद क्या है, इसी तरह का एक खास प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं तब उसको बहुपद बोला जाता है। अब वो क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजीय व्यंजक। क्या है ये? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, चर तथा अचर राशियों का क्रमबद्ध समूह। चर तथा अचर राशियों का क्रमबद्ध समूह, है ना। यहां पर क्या है कि ये चीज बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, और अभी भी मैं दोबारा बता देता हूँ। जो चर का होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इसको बोला जाता है वेरिएबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। अभी क्या होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज है जिसका मान निश्चित न हो। क्या है, जिसका मान निश्चित ना हो। अब अगर हम इस बीजीय व्यंजक को देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक थ्री दिखाई दे रहा है। थ्री तो थ्री होता है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि थ्री की जगह हम टू काउंट कर लेते हैं, थ्री की जगह फोर काउंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो थ्री है और फोर है, ये दोनों फिक्स वैल्यू है। ठीक है, लेकिन x जो है, x क्या है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है।
एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर एक्स की जगह वन होता, तो अगर एक्स की जगह वन हो तो इसका क्या रूप हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 × 1 + 4 = 7 हो जाएगा। अगर वहीं पर x की जगह 2 आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू चेंज होने से पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मान है, जो वैल्यू है, वो चेंज होती है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी और अलग तरीके से भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें अभी नहीं पता क्या है। हम भी इतना कह सकते हैं कि जिसका मान निश्चित ना हो। वेरिएबल या चर किसको बोला जाता है? जिसका मान निश्चित ना हो। आगे बात करते हैं, चलो अब इसी में ये जो 3 और 4 लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा? अचर, कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा इसको? कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, जिसका मान निश्चित हो। सिंपल सी बात है भाई, जिसका मान क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो। 3 क्या है? फिक्स है। 4 क्या है? फिक्स है। 4 इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है, बदल तो नहीं सकती। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि कोई सामान है, कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू है 1500 रुपये या जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो एक काम करो 100 की जगह 50 ले लो। क्यों? आपका मन कर रहा है, लेकिन वो उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देगा, है ना? वो तो 100 पर 100 ही रखेगा ना उस चीज़ को, उसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें क्या है? 3 और 4 एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान फिक्स है, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? अचर, जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान फिक्स्ड हो। 3 और 4 यहाँ पर क्या है? अचर राशियाँ हैं। तो इस तरह से चर और अचर, एक्स क्या हो गया? चर और 3 और 4 क्या हो गए? अचर, यानी कि कांस्टेंट, और एक्स क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन बनाओगे तो यही होगी, द कंबाइंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, या ऐसा कह सकते हैं सिस्टमेटिक कंबाइंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो जो चीज़ समझ में आ जाती है उसकी परिभाषा या डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमें समझ में आ गया, अगर हमें घर का पता है कि हमारा घर कितनी दूर है, हमें पता है कि हमारा घर कितनी दूरी पर है, या हमें कौन कौन से रास्ते से जाना है, तो वो हमारी मर्जी, हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। बस हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम घर पहुँच जाएँ। अब अगर ऐसा हो रहा है कि हम सही सही घर पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब जो रास्ता हमने अपनाया था वो सही था। सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि बात अगर समझ में आ जाती है तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बस उसका जो लॉजिक है वो सही होना चाहिए, उसकी जो एक मान है या उसका जो एक मत है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो चर और अचर के ग्रुप, एक क्रमबद्ध समूह से मिलकर के बनता है। और अचर क्या होते हैं? जिसका मान निश्चित होता है, और चर होते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, उसको भी समझ लो। देखो वेरिएबल, ये इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये आगे बहुत जगह पर इस्तेमाल होने वाला है। पहली बात तो ये कि वेरिएबल या चर जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम x ले रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि x ही होगा, हो सकता है y, मतलब y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन सबके साथ सेम है कि इनकी वैल्यू नहीं पता हमें, हमें ये पता कि x की जगह क्या हो सकता है। भाई जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो y के फॉर्म में भी तो हो सकती है, जैसे 3y + 4 ऐसे भी तो हो सकती है। लेकिन बात तो यहाँ पर भी वही है कि y की वैल्यू थोड़ी पता है हमें, अगर y की वैल्यू पता होती तो फिर दिक्कत ही क्या थी। आगे बढ़ सकते हैं,
दूसरा तो हमने जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद की। देखो ये बहुपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी दो पद है, बहु और पद, ठीक है। अब पहले यहां देख लो दोनों का ही मतलब हम लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉली या बहु इसका मतलब होता है मैनी या बहुत सारे, क्या मतलब होता है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नॉमियल और पद इसको बोला जाता है टर्म्स, ठीक है। यानी कि पद पद मतलब कि जैसे अभी हमने लिखा था 3x+4, अब ये एक पद है और ये एक पद है, ये एक अकेला पद है और ये एक अकेला पद है, दो पद हो गए। अब तीन पद भी हो सकते हैं, मान लो 2x² + 3x + 4 ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कितने पद है, इसमें तीन पद है, 1, 2 और 3। आगे बात समझ, चलिए अब बहुपद की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। बहुपद यानी कि पॉलीनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, इसकी घात चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या अथवा धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहा जाता है। अब इस बात को समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक होगा जैसे मैंने पहले बताया था, बहुपद क्या है स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक है। क्या स्पेशल है इसमें, क्या कंडीशन है, क्या खास बात है इसमें, खास बात ये है कि चर की जो घात है वो सदैव एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक होती है, ठीक है। क्या क्या खास बात है इसमें, जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या अथवा धनात्मक पूर्णांक होती है, ये खास बात है इसका, ठीक है। अब इस खास बात को समझो क्या है भाई, सबसे पहले तो इसमें दो, एक है सबसे पहले चर की घात, चर की घात की बात कर रहा है। जैसे मान लो एक्सप्रेशन है x² + 3x + 4, ठीक है, ये है। अब इसमें चर कौन सा है, यहाँ x² एक चर है, यहाँ भी एक x चर है, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं x⁻⁰ लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी टर्म पे, इसको सिंपली समझ लो, किसी भी टर्म पे अगर पावर जीरो है, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, 100 पर अगर पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से x की पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x4 में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं इनटू में 1 लिख सकता हूँ, अगर मैं इनटू में 1 लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। आगे बात समझ, चलिए अब मैं यहाँ अगर देखूँ तो इस x की जो घात है वो क्या है, 2 है। इस x की घात कितनी है, 1 है, और इस x की घात जो है वो 0 है, दिखाई दे रहा है। अलग अलग घात है सबकी, लेकिन इन घात, ये जो घात है, जो पावर्स हैं, इनमें एक खास बात है, इन्होंने क्या है कि ये पूर्ण संख्या है। अब प्रॉब्लम ये आती है उन लोगों को जो बेस नहीं पढ़ के चलते, जो 9th क्लास का सेशन चल रहा है, इसमें सबसे पहले जो मैंने क्लास दी है वो क्लास में मैंने बताया है
सारे जितने भी नंबर सिस्टम हैं उनके बारे में, जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके बारे में डिटेल से बताया है। अगर आप चाहो तो पहली क्लास देखने के बाद आगे का शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, है ना। तो वो चीज़ पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें पढ़ने में ज़रा सी भी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बेस क्लियर नहीं है तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखो अच्छी तरह से। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है। दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार लॉजिक सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो कभी भी किसी भी चीज़ को भूलोगे नहीं, है ना। हमारा जो आदत होनी चाहिए इस चीज़ की कि हम जो है कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें, ठीक है, रटने की कोशिश ना करें। वैसे भी बच्चों को ये कहा जाता है कि रटना जो है शोभा नहीं देता, सही बताऊँ तो रटना नहीं है, रटने के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उनको रटो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स को रट, इसको बख्श दो भाई, मैथ को जो है सीखो, इसको कॉन्सेप्ट से सीखो, लॉजिक से सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जैसे पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है वॉल नंबर्स, वॉल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और आगे इन्फिनेटिव तक, इन्फिनेटिव तक जो नंबर होते हैं 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक, ये सब किस में आते हैं, पूर्ण वॉल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्या में आते हैं। आगे बात समझ में, अच्छा। दूसरी बात इसने कही है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहले अच्छा एक बार एक समझ लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि चर की जो घात है सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है, बात सही आ गई। अब देखो 2 क्या है, 2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 से आ रहा है, तो 0 से लेकर के आगे तक इन्फिनिटी तक 2 तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 वो भी आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी जो यहाँ पर चर की जो घात है वो सभी पावर्स क्या है, वॉल नंबर्स है, पहली कंडीशन क्लियर होगी, है ना। अच्छा दूसरा, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वैसे तो इंटीजर्स जो है लेकर के माइनस इंफिनिटिव से और फिर यहाँ पे माइनस वन और फिर आता है 0, फिर +1, +2 और फिर इंफिनिटिव, ये आपके क्या होते हैं, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ केवल इंटीजर्स की तो ये क्या होते हैं, केवल इंटीजर्स होते हैं, माइनस इंफिनिटिव तो प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। अब लेकिन इसमें इसने क्या कहा है, इसमें कहा है कि आपको केवल धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है, आपको 0 से भी ले सकते हो, 1 से भी ले सकते हो, 0 तो पहले से इंक्लूड हो गया अपना पूर्ण संख्या हो गया, है ना, तो ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की जो नंबर्स हैं वो सारे आप इसमें काउंट करोगे, यानी कि अगर x पर 0 से इन्फिनिटी तक कोई पावर है तो इसका मतलब क्या है, वो एक पॉलीनोमियल है। तो बात समझ में आ गई, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब हम माइनस वाले जो टर्म्स हैं वो खत्म कर देते हैं, 0 तक छोड़ देते हैं, 0 से आगे के जो भी हम ना वो ले लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 2 क्या है, +2 आता है इसमें तो बिल्कुल है, -1 आता है बिल्कुल आता है, 0 वो भी आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो इस पूरी कंडीशन को क्या करता है, वेरीफाई करता है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद क्या हो गया, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या अथवा धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसमें 2-4 चीज़ें और हैं, उसको समझ लो तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये बात भी समझ में नहीं आई तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझ लोगे और अच्छे से कर भी लोगे।
ठीक है, कुछ कंडीशंस है, जैसे पहली ये सब जो चीजें हैं वो किसके लिए, चर की घात के लिए है, चर की घात यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल, किसके लिए बोली जा रही है बात, चर की घात के लिए बोली जा रही है, ठीक है। अब पहली बात क्या बोली जा रही है कि चर की घात सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। आगे बात सुन में क्या होना चाहिए, चर की घात सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने ये बताया था, एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, एक लिख लेते हैं मान लो 4x³ + 3x² + 2x + 1, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी लिख लो x⁻⁰, ठीक है। जहाँ पर मैं ये दोबारा बता देता हूँ, जहाँ पर x नहीं है वहाँ पर आप x⁻⁰ मान सकते हो, कोई फांसी नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो कि क्या पहली वाली जो लाइन लिखी है मैंने, इसको ये वेरीफाई कर रही है, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, 0, +1, +2, +3, +4। अब ये क्या है, +3 है, +2 है, +1 है, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पे है 0 है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है, ठीक है। चलो दूसरी बात, चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब दिमाग में यह आएगा कि जब ऊपर बता दिया कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो नीचे फिर वही बात बता रहे हो कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, बात तो ऊपर वही है भाई, जब ऊपर धनात्मक बता दिया तो ऋणात्मक क्यों बोल रहे हो, एक ही बात दोबारा क्यों बताई जा रही है, तो ऐसा नहीं है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। देखो समझो क्या है, अगर कहा जाए, एक स्टेटमेंट है छोटी सी, अगर कहा जाए सभी धनात्मक, अगर कहा जाए कि सभी धनात्मक, इसका क्या मतलब हो जाएगा, +1, +2, +3 और +∞ तक, इसका मतलब हो गया ये। अगर कहा जाए ऋणात्मक, ऋणात्मक के अलावा या ऋणात्मक को छोड़कर, दोनों बातें एक ही हैं, अगर कहा जाए कि ऋणात्मक के अलावा ऋणात्मक को छोड़कर, ठीक है। अब देखने में तो दोनों चीजें ऐसी लग रही है कि ये कह रहा है सभी धनात्मक, जितने भी है सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने कह दिया +1, +2, +3, +4, +∞ तक। आगे बात समझ, अब यहाँ कह रहा है कि ऋणात्मक के अलावा, यानी कि ऋणात्मक को छोड़ के, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, है ना। अब जो कुछ भी, एक छोटा सा जो पॉइंट कह रहा है कुछ भी, उसमें इसका मतलब हो जाता है कि जीरो भी काउंट कर रहा है, 0, +1, +2, +3 और ∞। ये मतलब है इसका, ये कह रहा है कि जीरो हो सकती है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसका मतलब है कि जीरो हो सकती है लेकिन माइनस नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले का मतलब है उसको जीरो से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो सीधा कह दिया सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, उसने जीरो का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ जो सेकंड पॉइंट है इसमें इसने जीरो का जिक्र कर दिया। ये क्या कह रहा है कि जीरो भी हो सकती है और लेकिन माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जीरो भी हो सकती है लेकिन माइनस नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। आगे बात सुनो, दोबारा देखो, पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी धनात्मक होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मुझे मतलब नहीं है कि धनात्मक हो या नहीं हो, बस नेगेटिव यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, तो इसका मतलब ऋणात्मक के अलावा, ऋणात्मक को छोड़ के, इसका मतलब जीरो भी इसमें काउंट हो सकता है, यानी कि हो रहा है। आगे बात समझ, चल तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। मैथ में छोटी छोटी स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मतलब हो सकता है, तो ध्यान से भी पढ़ना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉजिकल पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रटो मत, रटने की चीज़ नहीं है मैथ। चल तीसरा, चर की घात कभी भी p अपॉन q के रूप में नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर x की पावर 3 है, ठीक, x की पावर 2 है वो भी ठीक, x की पावर 1 है वो भी ठीक। अब ये कह रहा है कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब क्या हम 3 upon 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। क्या हम 2 upon 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। तो फिर ये बात और ये बात कैसे एक सी होगी? नहीं समझ रहे हो भाई, हमने यहाँ कह दिया कि जो चर की घात है वो कभी भी p अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन में या एक रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पावर को देखता हूँ, पावर 3 है, 3 को तो 3 upon 1 लिखा जा सकता है और 2 upon 1 भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर मैं 3 upon 1 लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब तो 3 ही है, कुछ और तो नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाए कि मान लो वो 2 upon 5, अगर बात आ जाए 2 upon 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.4। और यही नहीं चाहता बस ये, कि ये जो पॉइंट वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं आनी चाहिए पावर, इसको इसी चीज से नफरत है, ऐसा मान के चलो। स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये जो पॉइंट में आ जाते हैं ना, यही बर्दाश्त नहीं है बस, ये पॉइंट वाले नहीं आने चाहिए। जैसे मान लो 1 upon 2 हो, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। 1 upon 2 का क्या मतलब हो जाएगा? 0.5, ये हो जाएगा ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल ही है, मान लो कि भाई इस तरह से है, 4 upon 2 है, इसका क्या मतलब हो गया? 2 हो गया, सिंपल चीज है, यहाँ पे लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये है बात। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कभी भी p अपॉन q के रूप में नहीं होना चाहिए। चलो अब एक चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या कह रहा है? चर की घात सदैव पूर्ण संख्या और नंबर होनी चाहिए। अब अगर इसको देखें और सेकंड पॉइंट को देखें, तो लगभग ये दोनों एक ही चीज कह रहे हैं कि जीरो भी हो सकता है और बाकी सारे पॉजिटिव होने चाहिए। किसके ऊपर? एक्स की पावर, जो एक्स की जो पावर है वो जीरो भी हो सकती है और बाकी के पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब ये चर की घात के अलावा चर के बारे में बात कर रहा है। ये तीनों पॉइंट क्या है, ये चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं? ये चर की घात के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पांचवा पॉइंट है वो खास करके चर के बारे में बात कर रहा है। वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्ट में चर की घात की आ जाएगी, वो मैं बताऊंगा कैसे आएगी। देखो ये कह रहा है, कभी भी किसी पद में चर हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए। आगे बात सुनते हैं, बता रहा हूं। देखो कभी भी किसी पद में चर हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ देख लो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए 1 upon x, या कहीं पर लिखा हो कि 2 upon x² + 3x + 1। तो हम इसको जो है ना पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, बहुपद नहीं कह सकते। इसका कारण है, कारण ये है कि ये जो x, ये वाला जो x है वो नीचे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में कहाँ आ रहा है? हर में आ रहा है। तो हर में नहीं होना चाहिए, है ना। कहाँ पर नहीं होना चाहिए?
हर में नहीं होना चाहिए, ऊपर होता एक्स स्क्वायर टू, यहाँ पर टू की मल्टीप्लाई में होता तो काम चल जाता, लेकिन ये नीचे है तो नीचे नहीं होना चाहिए। कारण इसका ये है कि अगर ये हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो एक्स की जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, और जब माइनस में हो जाएगी तो इसने पहले मना कर रखा है कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, कहता है ना पहले से भाई ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए। अब अगर इसको ऊपर करेंगे तो नेगेटिव नहीं हो जाएगी, वन अपॉन जो एक्स होता है, वन अपॉन एक्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर माइनस वन, तो माइनस वन हो माइनस टू हो माइनस थ्री हो ये सब क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव को ये बहुपद अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये वो पांच पॉइंट हैं जिनको अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आप कभी भी पॉलीनोमियल छांटने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए वो सीख लेते हैं। चर की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ये कह रहा है कि चर की घात के आधार पर बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं उसको समझ लो, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या होते हैं, पहला होता है रैखिक बहुपद, क्या होता है पहला रैखिक बहुपद, इसको बोला जाता है लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक, दूसरा होता है द्विघात या द्विघात या द्विघाती, इसको बोल सकते हो द्विघाती बहुपद, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, और चौथा होता है, सॉरी तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब तीनों को समझते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी जिस बहुपद की जो घात होती है वो आप पहले बहुपद की घात, जैसे बहुपद की घात देखो, पहले बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, ठीक है, जैसे मान लो कोई पॉलीनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात क्या होगी, जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर x की पावर क्या है 0, ठीक है। तो हम देखते हैं कि x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो इस पूरे बहुपद की, इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आई बात समझ में, g
जिस जहाँ पर चर की जो अधिकतम घात होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की यानी कि पूरे बहुपद की घात होती है। ठीक, अगर मान लो लिखा हो 3x की 100 प्लस 4x की 50 प्लस 6x, ऐसे लिखा हो, अब कहा जाए कि इसमें बहुपद की घात क्या है, पूछा जाए इसमें बहुपद की घात क्या है, अब देखेंगे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट तो 100 है, उसके बाद 50 तो छोटा है और यहाँ पर तो केवल 1 है ना, तो सबसे बड़ा क्या है 100 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो को लिख सकते हो बहुपद की घात, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है, जैसे मैंने बताया जिसमें x की सबसे हाईएस्ट पावर हमने देखी और उसी को हमने क्या बता दिया कि बहुपद की घात वही है जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बात सर, चलिए इंग्लिश में इसको कह सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द पावर ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है। चलिए अब हमने ये बात देख ली। ठीक है, अब देखो रैखिक बहुपद कौन सा है जिसमें जो बहुपद की घात होती है वो एक होती है। ठीक है ना, हाईएस्ट जहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है ना, अधिकतम एक घात वाला बहुपद, अधिकतम एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया 3x प्लस 4 या फिर खाली लिख दो 2x, है ना, इसमें क्या है एक ही x है, x की पावर क्या है 1 है, तो एक ही केवल अधिकतम एक ही पावर हो सकती है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें भी x की पावर क्या है 1 है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2x स्क्वायर है और इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई ना, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 1 चाहिए, तभी तो हम क्या बोल सकते हैं इसको रैखिक पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दुई घात, इसमें क्या है अधिकतम घात अधिकतम 2 घात वाला बहुपद, अधिकतम 2 घात वाला बहुपद, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि दुई घात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में, इसको घात या फिर घातीय भी बोल सकते हो। ठीक है, त्रिघात या फिर त्रिघातीय, मर्जी है आपकी। ठीक है, चलिए और इसी तरह से
अगर मान लो यहाँ पर पूछा जाए तो ये हो जाएगी अधिकतम 3 घात वाला बहुपद, क्या हो जाएगी? अधिकतम 3 घात वाला बहुपद। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लो एक टर्म हो 3x³ + 4x² + 2x, इस तरह से हो जाए। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्यूबिक पॉलीनोमियल यानी कि त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए अब है बहुपद में पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म इन पॉलीनोमियल। ठीक है, बहुपद में पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलीनोमियल। ठीक है, अब कितने पद किस पॉलीनोमियल में होते हैं फिर उसको क्या कहा जाता है ये देखना। एक होता है मोनोमियल, इसको बोला जाता है एक पदीय या फिर एक पदी पॉलीनोमियल। एक होता है बाइनोमियल, इसको बोला जाता है द्विपद या द्विपदी पॉलीनोमियल। एक होता है ट्राई यानी कि त्रिपद या त्रिपदी, एक ही चीज लिख लो। ठीक है ना, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। ठीक, अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x, 2x क्या है? एक टर्म है खाली, सिंपल एक टर्म है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं 2x + 1, तो ये क्या हो जाएगा? एक टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म हो जाएगी ये। ठीक, अगर इसमें इस तरह से लिख दिया जाए 2x² + 3x + 1, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी, 3 टर्म्स हो जाएगी। तो हमें क्या लेना है? एक टर्म वाला, केवल एक टर्म का। जैसे कि मान लो कहीं 2x है, कहीं 4x² है, कहीं 6x³ है, इस तरह से हो सकता है। या सिंपल मान लो कहीं पर 4 ही लिखा हो खाली, x हो ही ना, ऐसे भी तो हो सकता है कि x है ही नहीं उसमें, है ना। मान लो कोई नंबर है खाली 6, वो भी क्या है? अपने आप में बहुपद है, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है? 6 + x⁻⁰, और x⁻⁰ क्या होता है? अपने आप में 6 + x⁻⁰ एक पूरा क्या है? अपने आप में ऐसा बहुपद है जिसमें x⁻⁰ है। ठीक है ना, तो सिंपल नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद है यानी कि मोनोमियल्स है। ठीक है, अब उसके बाद बाइनोमियल्स, द्विपद यानी कि जैसे दो पद वाला 2x + 3, 4x + 9, इस तरह से हो सकता है। इसमें क्या है? दो पद है, इसमें एक दो पद आ रहे हैं सब में, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये द्विपदी हो गया। इसी तरह से तीन पद वाला होता है, जैसे कि 2x² + 4x + 1, इसमें क्या है? तीन पद है, 1, 2 और 3, तीन पद आ रहे हैं, है ना। इसमें ज़्यादा नहीं हो सकते, जितने बोले हैं उतने ही होने चाहिए। अगर मान लो ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा। अब ये एक पद वाला मोनोमियल यानी कि एक पद ही, दो पद वाला बाइनोमियल यानी कि द्विपद, और तीन पद वाला ट्राइनोमियल यानी कि तीन पद। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ और है इसमें, उसको समझ लो, फिर आपका जो बेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो कम्प्लीट हो जाएगी, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो
गुणांक, ठीक है। गुणांक का मतलब होता है गुणा में अंक, ठीक है, या जिस अंक की गुणा हो रही है, किसमें, चर में, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो चर का गुणा, चर का गुणा, ठीक है। तो गुणा में अंक इसको लिख सकते हो चर के गुणा में अंक, चर के गुणा में अंक, ठीक है। जिस अंक की गुणा हो रही है, किसमें, जिस अंक की गुणा चर में हो रही है उसको बोला जाता है गुणांक। सीधी सी बात है। अब मान लो मैं एक टर्म लिख देता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये हमने लिख दिया। अब अगर वो पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके गुणा में क्या है, टू है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, टू हो गया। अब ये पूछे कि एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का है यहाँ पर है, अब एक्स के गुणा में क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स का गुणांक क्या हो गया, फोर हो गया। अब अगर ये पूछे कि एक्स की पावर जीरो का क्या गुणांक है, अब एक्स की पावर जीरो कहाँ आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है नहीं, तो इसमें क्या हो गया, एक्स की पावर जीरो आ सकती है यहाँ पर, और एक्स की पावर जीरो का गुणांक क्या है, थ्री है, ठीक। किसी भी टर्म में ऐसा लिखा हो, मान लो यहाँ पर लिख दें 35 एक्स की 9 प्लस 6 एक्स की क्यूब। अब ये क्वेश्चन लगे कि एक्स की पावर क्यूब का, एक्स की पावर थ्री का गुणांक क्या है, एक्स की पावर थ्री का गुणांक तो 6 है, एक्स की पावर 9 का गुणांक क्या है, 35 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुणांक निकाल सकते हैं, चर का गुणांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका चैप्टर टू जो है 9th क्लास में मैथ्स का, पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद, उसका इंट्रोडक्शन था। इसको आप अच्छी तरह से समझें, देखें, उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट क्लास अब आएगी वो सेकंड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज की क्लास होगी। उसको करते समय आपको इस बेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आपने बेस अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब जो ये पहली जो एक्सरसाइज होगी इसको करने में बहुत आसानी से होगी, ठीक है ना। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।